हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आजकल बहुत सारे लोग हेल्दी हेल्दी सा खाना पसंद करते हैं, तो चलिए कुछ हेल्दी सा प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने ले लिए 1.5 कप से जितनी मूंग दाल। 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था, इतनी फूल के मस्त रेडी हो गई है। फिर 2 घंटे के बाद मैंने ले लिया है मिक्सर जार। मिक्सर जार में थोड़ी लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी है, अदरक का थोड़ा टुकड़ा छोटा सा ऐड कर दिया है, 2 ग्रीन चिली ऐड कर दी है। सारी चीज़ों को मैं डाल के फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था। ये मैंने थोड़ी तीखी वाली मिर्ची भी ऐड की है, जैसे थोड़ा सा बहुत तीखा तीखा टेस्ट आए। और पालक मैंने कट करके रख दी थी साइड में, तो एकदम वॉश करके पालक के भी पीसेस करके इसमें कर दिए हैं ऐड, और सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं 4 स्पून जितनी इसमें दही ऐड करूँगी, घर की जमी। आपके पास बाहर का दही हो तो भी चल सकता है, बहुत खट्टा होगा तो भी चलेगा, नॉर्मल होगा फिर भी। और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने सारा मिक्सचर रेडी कर दिया है। फिर इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी, और सारी चीज़ों को मिक्सर जार में एक बार फिर से क्रश कर दिया है। उसके बाद चटनी के लिए मैंने चटनी, इसके साथ स्पेशल चटनी बनती है तो वो प्रिपेयर की है। थोड़ा सा मैंने फुदीना ऐड किया चटनी में, उसके बाद धनिया, जितना धनिया उतना फुदीना, एक छोटा सा प्याज और हरी मिर्च, 2-3 थोड़ी तीखी वाली और 2-3 हरी मिर्च में मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ, एंड एक छोटा सा टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, और फिर ये हमारी चटनी हमारी बनके रेडी हो गई है। इसको क्रश करके रेडी कर दिया, एक बोल में ट्रांसफ़र करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, जब तक हम चिले के लिए दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। तब तक ये देखिए मैंने मैश करके रख दिया है, हरा धनिया, ऑनियन, गाजर और बीटरूट को, सारी चीज़ों को ग्रेट करके मैंने रख दिया है एक साइड में। और ये चिले का बैटर हमारा बनके रेडी हो गया था, तो इसको डोसे की तरह एकदम स्प्रेड कर देंगे। बहुत बैटर न थिक होना चाहिए न पतला, मीडियम बैटर रखा है मैंने, तो ये स्प्रेड करके ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया। इसके बाद देखिए हमारा एकदम चीला बनके नीचे से एकदम पक गया है। तो ये मैंने ऊपर से कैरेट एंड बीटरूट एंड ऑनियन, अगर आपके पास पनीर है तो आप ऐड कर सकते हैं, धनिया मैंने ऊपर से स्प्रेड कर दिया है, और बहुत सारी चीज़ इसमें स्प्रेड करेंगे तो बहुत टेस्टी टेस्टी एंड हेल्दी हमारा चीला बन के रेडी हो गया है। तो ज़रूर से अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट एंड आप इवनिंग स्नैक में भी ये बना सकते हैं। तो ये अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फैमिली।